ये क्या क्या हो गया और क्या क्या रह गया जो बेचारे मोदी जी बेचारे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वो टीम, इससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, जब मोदी जी प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम में जाकर के उनके साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, टीम वैसे ही सोच रही है कि उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट कर रही है कि हम हार गए, उसमें बजाय संवेदना देने के किस तरह से बात कर रहे हैं आप देखिए, एक बिल्कुल घबराए हुए बहके हुए आदमी की तरीके से बोल रहे हैं। जरा हम अपनी टीम से, जरा हमारे ये क्लिप दिखाइएगा अभी, इससे पहले कि राजेश ठक्कर बोलना शुरू करें। भाई देश आप लोगों को देख रहा है, मैंने सोचा मिल लू सबको, होता है कह रहा हूँ, कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है लेकिन कहा बाबू ढीलो ना पड़ दो हमें बहुत अच्छा किया है इस बार तू तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ू थोड़ू कर दो घर से सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है और चलिए होता है होता रहता है ऐसा हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए, और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ, मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। आपने देखा किस तरीके से बौखलाए से हुए हैं, क्योंकि एक बात को बार बार वो कह रहे हैं, अरे होता है हो जाता है कोई बात नहीं, और प्रधानमंत्री का न्योता आपने देखा कितना बढ़िया है कि आप लोग दिल्ली की तरफ आना तो आप मिल लेना मतलब जैसे कि आप जा रहे हैं कहीं और दिल्ली में उतरे ट्रेन से तो बोले चलो भाई प्रधानमंत्री के यहां हो लेते हैं, इस तरीके का ये नहीं है कि उन्होंने कोई न्योता बाकायदा जिसे दिया जाता है। और एक चीज और आपने गौर करी होगी, दर्शकों को आपने जरूर देखा होगा कि वो खासतौर से नीले रंग की जैकेट पहन के आए थे, जबकि आजकल हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे कि किस तरह से टीम के में इन्होंने भगवा रंग की जैकेट भी इंट्रोड्यूस कर दी है, और प्लानिंग यही थी जो हमने सुना है कि इस भगवा रंग की जैकेट पहन करके उनको किस तरह से अलग अलग जगह घुमाने का प्लान था। राजेश जी हमें बताएंगे। देखिए शरद जी, पूरे देश की जो आशा और अपेक्षा थी वो इस वक्त जिस तरह से टीम इंडिया खेल रही थी, लगातार 10 मैच जो है जिस प्रकार से वो जीती और परफॉर्मेंस पूरी टीम का जिस प्रकार से था, तो लोगों को ये अपेक्षा थी कि ये वर्ल्ड कप जो है वो इस बार जो है भारतीय जो टीम है वो डिजर्व करती, ये खेल की बात है। और क्रिकेट के फैन सारे लोग हैं हमारे देश में, एक रिलीजन की तरह क्रिकेट को देखा जाता है, तो ये उम्मीद होना वो स्वाभाविक था। लेकिन क्रिकेट के खेल को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने की एक तैयारी अपने आप कर लेना, हर स्टैंड के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उसको 2000-3000 कॉम्प्लीमेंट्री पास दे देना, वहां पर जो पूरा माहौल है वो स्टेडियम के भीतर और स्टेडियम के बाहर सारी जगहों पर वर्ल्ड कप जीतने के बाद किस प्रकार से जश्न मनाया जाए उसका पूरा प्लानिंग करना, ये सारी जो चीज थी वो अपने आप अगर कोई उत्सव मनाता है टीम इंडिया जीतती है तो वो स्वाभाविक है, होता है हर बार होता है। लेकिन एक उसको एक बहुत बड़ा अपनी फेवर में तमाशा के भी नरेंद्र भाई मोदी के स्टेडियम में नरेंद्र भाई मोदी की उपस्थिति में, यानी कि अगर जीत जाती भारत की टीम तो वो टीम का श्रेय मुझे लगता है रोहित शर्मा से ज्यादा जो है नरेंद्र मोदी को दिया जाता, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पर किया गया था। वो उस वक्त ये भी बताया जाता कि ये जो पूरी स्ट्रेटेजी थी पूरी मैच में वो नरेंद्र मोदी की थी, उन्होंने ही बताया था किस प्रकार से फील्डिंग का प्लेसमेंट करना है, जैसे मैं ईडी सीबीआई आईटी का प्लेसमेंट करके जो विपक्ष की विकेट गिराता हूं इसी प्रकार से किसी को क्लीन बोल्ड करना है, किस प्रकार से वो गवर्नर के जो यूज करते हैं उस प्रकार से अंपायर को जो है अपना यूज किया जाता है, तो जो ऑडियंस है ऑडियंस को किस प्रकार से अपनी फेवर में कर दिया जाता है, तो ये सारी जो स्ट्रेटेजी थी वो नरेंद्र मोदी की थी।
और उससे ही जो है भारत की टीम जीती है। इस प्रकार का जो है बातें सोशल मीडिया भाजपा का शुरू कर देता, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ऐसी स्थिति हुई जब भारत की टीम हार गई तो ये उनका जो पूरा प्लानिंग था उसमें प्लानिंग में ऐसा था, जो दूसरे दिन फोटोशूट रिवर फ्रंट पर हुआ ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का, वहां पर अगर वर्ल्ड कप लेकर वहां पर एक बड़ा रोड शो होता, फिर हो सकता है कि राजस्थान में चुनाव जो है 23 तारीख को शाम को बंद हो जाते, 24 तारीख को वर्ल्ड कप लेके वहां पर टीम जो है वो चली जाती, क्योंकि हर स्टेट में टीम को भेजना था तो वो कार्यक्रम भी वहां पर इस प्रकार से होता। तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का बेनिफिट उठाया था उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी, देखो कितना उन्होंने उनका नाम और उनकी जो उपस्थिति है उससे कितनी ऊर्जा मिलती है, वो सारी चीजें जो है ये भाजपा करता। और हाँ। जैसे वो प्रैक्टिस के लिए उनकी जो यूनिफॉर्म्स है, जो ड्रेस है, उसका कलर बदला गया है, हो सकता है वही जो भगवा कलर की जो है ड्रेस है उसके साथ जो है कप लेके वहां पर जाते, लेकिन ये हो नहीं पाया। जब हो नहीं पाया तो उसके बाद में जो आपने क्लिपिंग दिखाई वो ड्रेसिंग रूम वाली, वर्ल्ड कप जो है जल्दी जल्दी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को थमा के वो ड्रेसिंग रूम में गए। आप उस क्लिप को अगर ध्यान से देखेंगे तो हर जो प्लेयर्स है या उनका सपोर्ट स्टाफ है या कोच है, उनके खुद के एक इमोशंस है और वो इमोशंस एक दूसरे के साथ कुछ भी बोले बिना जो है वो साझा कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी हार जो इतने अच्छा परफॉर्मेंस के बाद जो हुई थी उसको वो लोग जो है पचा नहीं पा रहे थे। उनके बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो है प्रधानमंत्री आया है उनसे सामने से एक स्टेप भी आगे से मिलने नहीं जाता। वो रोहित शर्मा जो अपनी जेब में हाथ डाल के खड़ा है उसका हाथ जेब से निकाल लेते हैं, रोहित जो विराट कोहली है उसको पीठ पे धब्बा लगा लेते हैं, वो शामी को तो बिल्कुल दबोच लिया उन्होंने। तो जिस प्रकार से तो ये फिर मैनेजमेंट किया, अगर जीत नहीं पाए तो ये बताओ। और यहाँ पर सोशल मीडिया पर लिखना लोगों ने शुरू किया, देखो प्रधानमंत्री ने जो है वो कोच जो था वो टीम को संभाल नहीं पा रहा था, सारे खिलाड़ी टूट गए थे, बिखर गए थे, वो रो रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में गए 2 मिनट में और पूरी टीम को एक ऊर्जा दे दी और पूरी टीम को एक ऐसा सकारात्मकता का इंजेक्शन दे दिया है कि अब T20 में जो है ऑस्ट्रेलिया का बदला जो है वो हमारी टीम लेके आए। तो इस प्रकार का, तो जीत गए तो भी मोदी, हार गए तो भी मोदी, तो ये करने की वहां पर कोशिश की गई। लेकिन हम समझे इस पूरे खेल को, तो किसी भी चीज को राजनीति से अलग नहीं रखा जा रहा। अगर आपके अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उसमें भी फिर सवाल उठा जाते हैं, तब कहते हैं कि ये सेना को राजनीति में लेके आते हैं, अब कहेंगे कि क्रिकेट जो है उसको राजनीति में लेके आते हैं। कुछ लोगों ने वो क्लिप चलाई जब भारत हार रहा था और अमित शाह और नरेंद्र मोदी वहां पर स्टैंड में बैठक ठहाका लेके हंस रहे थे, तो मैंने एक चैनल पर यह भी बोल दिया कि हो सकता है कि उनको लगे ये जो टीम इंडिया हार रही है उसमें उनको इंडिया गठबंधन दिखता हो, तो उनकी जो राजनीतिक सोच है उसका भी सम्मान करना चाहिए आपको, क्योंकि उनको यहाँ पर हारने वाली जो इंडिया है उसमें अगर जीत जाती तो उनको फीलिंग ये आता कि ये इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो हर चीज को सोते जगते जो आदमी राजनीति के चश्मे से देखते हैं उन लोगों की ये स्थिति जब बनती है तो फिर इसमें से निकलने की कोशिश में ये ANI ने एक 1.5 या 2 मिनट का जो है वीडियो है ड्रेसिंग रूम का वो साझा किया, और उसके आधार पर जो है उन्होंने कहा कि देखो खेल को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं खिलाड़ियों को, अगर हार गए हैं तो उसके पीछे लोगों की भावना न बढ़ के जैसे 2003 में हो गया था, कुछ क्रिकेटरों के घर पर लोगों ने हमला कर दिया था, तो नरेंद्र मोदी ने जो है ये पोस्चर दिखाकर पूरे देश को संभाला है, सिर्फ क्रिकेट की टीम को नहीं संभाला। तो ये ऐसी शख्सियत है जो शख्सियत कुछ भी कर सकती है, वो सेना को भी ये सुझाव दे सकती है कि बादल में कैसे जो है रडार में नहीं पकड़ा जाए, ऐसे प्लेन चला जाए, क्रिकेटरों को भी सुझाव दे सकते हैं, उनको भी मोटिवेशन दे सकते हैं। ऐसा ही मोटिवेशन मुझे लगता है कि 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा और सारे लोगों को उनको देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी वो तैयार कितने रहते होता है, हारजीत होती है। अगर ये भावना जो खिलाड़ियों को उन्होंने बोली वही अगर महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने रखा होता, हो जाता है कभी कभी सत्ता चली जाती है, अगर गोवा के अंदर भी यही रखा, हो जाता है कभी कभी सत्ता चली जाती है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो खिलाड़ियों को बता रहे थे
वो अगर अपने आप पे अमल कर लेते तो उनको गवर्नरों का जो है उपयोग नहीं करना पड़ता, जो थर्ड अंपायर के रूप में राष्ट्रपति को रात को 12 बजे नहीं उठाना पड़ता। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सारी चीज, जैसे उनका नाम जिस सस्पेंशन के साथ स्टेडियम का नाम बदला गया, आप समझो किसी स्टेडियम का नाम बदला जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक सस्पेंस रखा गया, जब वहां पर वो खुला पर्दा तब पता चला कि ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहाँ का नाम हो गया, क्योंकि वो हार्दिक पटेल वाला पाटीदार आंदोलन उस वक्त उफान पर था, थोड़े वक्त पहले ही वो उसकी आग समी थी, तो उनको लगता था कि किस प्रकार के रिएक्शन आएंगे, फिर चालाकी की गई कि पूरा संकुल है वो तो सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल है, उसमें सिर्फ क्रिकेट के मैदान को, अब कबड्डी खिलाओगे सरदार पटेल संकुल में, अगर आप चेस खिला दोगे सरदार पटेल संकुल में तो कहाँ नाम होगा, इतना बड़ा वर्ल्ड कप आपने क्रिकेट का खिला दिया था, सारी जगह हुए नरेंद्र मोदी हो गया, उसमें कहाँ सरदार पटेल आए। तो इस प्रकार की राजनीति के लिए जो ये आदि है, लेकिन इस वक्त ऐसा हुआ कि पूरा सहरा सजा हुआ था, बाराती वहां थे, बैंड बाजा थे, पटाखे थे, सब थे, और जो है उनकी बारात जो है वो दरवाजे से वापिस लौट गई, इस प्रकार की स्थिति हुई। हमें खेल के लिए बहुत निराशा है, हमें खुद को जो है बहुत दुख है कि भारत की टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी वहां पर नहीं जीत पाई, लेकिन उसके पीछे जो राजनीतिक मंशा थी इसकी हम अभी आलोचना कर रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।